आज मैं दसम वर्ग के लिए संस्कृत विषय के तीसरे पाठ के सारांश के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज के बाद हमारा यह पाठ संपन्न हो जाएगा और गृह कार्य के रूप में फिर आपको श्लोक और श्लोक का अन्वय और हिंदी भावार्थ शब्दार्थ ये सारे आपको प्राप्त हो जाएंगे। पाठ का शीर्षक था व्यायाम सदा पथ्य, व्यायाम हमेशा उचित है। मैंने आपको बता दिया था कि शरीर के परिश्रम जन्य कर्म को हम व्यायाम कहते हैं। व्यायाम करने के बाद उस सूखे हुए शरीर की उचित मालिश करनी चाहिए, तभी व्यायाम का फायदा होता है। अर्थात व्यायाम और व्यायाम के बाद शरीर का किया गया मालिश, ये दोनों काफी लाभप्रद हैं। फिर हमने आपको बताया था कि व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है, शरीर में चमक आती है, शरीर गठिला होता है, भूख लगती है, आलस से मुक्ति मिलती है और स्थिरता आती है और शरीर की सुंदरता बढ़ती है। हमारा उद्देश्य जीवन का यही है कि हम स्वस्थ हों, हम सुंदर हों, तो ये सारी अभिलाषाएं व्यायाम से पूरी हो जाती है। इतना ही नहीं, व्यायाम करने से श्रम के कारण होने वाली थकान नहीं होती या काफी देर के बाद होती है, प्यास नहीं लगती, गर्मी और सर्दी का एहसास नहीं होता। हम यह कह सकते हैं कि भूख कैसे नहीं लगेगी, प्यास कैसे नहीं लगेगी, लेकिन इसको सहने की क्षमता आ जाती है मनुष्य के शरीर में, मनुष्य उसको सह सकता और आरोग्य अर्थात निरोगता अर्थात रोग से मुक्ति ये मिल जाती है। इसलिए व्यायाम के समान दूसरा कोई उपाय नहीं है। हमारी स्थूलता के अपकर्षण के लिए, हमारे आलस्य को नाश करने के लिए व्यायाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, व्यायाम करने वाला व्यक्ति बलशाली होता है, बलवान होता है और वह सफलतापूर्वक अरिमर्दन भी कर सकता है। अरिमर्दन का अर्थ है अपने शत्रुओं को कुचलना, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। फिर व्यायाम जो लोग करते हैं, बुढ़ापा उन्हें छूती भी नहीं, क्योंकि अंत अंत तक लेटर एज में भी उनके शरीर का मांस और हार स्थिर रहता है, उनका मांस झूलता नहीं, जिसके कारण वे बूढ़े दिखाई देते हैं। अब व्यायाम के कारण शरीर से पसीना निकलता है, तो व्यायाम के कारण जिस व्यक्ति के शरीर से पसीना निकलता है तो आप समझ लीजिए कि शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है। दोनों पैरों को उठाकर जब आप व्यायाम करते हैं तो जिस प्रकार गरुड़ को देखकर बड़ा से बड़ा सांप भाग जाता है, ठीक उसी प्रकार बीमारियां ऐसे व्यायाम करने वाले व्यक्तियों को देखते ही भाग जाती है, उसके सामने फटक भी नहीं सकती। और जो व्यक्ति व्यायाम करता है वह अन्य गुणों से हीन होने पर भी देखने में सुंदर होता है, गठिला होता है, उसे देखकर लोग धोखा खा जाते हैं। और भी फायदा है व्यायाम करने से। यदि आप ऐसा भोजन कर रहे हैं जो आम लोगों को नहीं पचता है, वह भोजन भी आपको पच जाता है।
आप पका हुआ भोजन खाएं, बिना पका हुआ भोजन खाएं, आधा आधा पका हुआ भोजन खाएं, इस बात से कोई मतलब नहीं है। यदि आप व्यायाम करने के अभ्यस्त हैं तो पका या अधपका या कच्चे भोजन को भी पचाने की अद्भुत क्षमता आपके शरीर में आ जाती है। इसलिए व्यायाम हमेशा उचित है बलवानों के लिए। दो ही चीजें हैं, एक तरोताजा भोजन करना और दूसरा है व्यायाम करना। लेकिन ऐसे तो व्यायाम करने वाले लोग हर मौसम में व्यायाम किया करते हैं, लेकिन अगर सही पूछिए तो व्यायाम करने का सबसे उत्तम समय शीत ऋतु और बसंत ऋतु है। इतना ही नहीं, जब आप व्यायाम करते हैं तो और सांस छोड़ते हैं तो आपके हृदय के स्थान में स्थित जो वायु है वह मुंह के बल बाहर निकलती है और इस प्रकार आपका जो शरीर है वह पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। तो बच्चों, उम्र, बल, शरीर की स्थिति, देश, समय, भोजन आदि का विचार करके ही व्यायाम करना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस समय वायुमंडल का तापमान कम हो, जो सुबह में होता है, उस समय व्यायाम कीजिए। व्यायाम करने से पहले नित्य क्रिया से निवृत्त हो लें, अर्थात शौच से आकर के ही व्यायाम करें, अन्यथा आप कब्जियत के शिकार हो सकते हैं। तो इन बातों का यदि ध्यान रखें तो आप निश्चित रूप से व्यायाम करेंगे और आपको फायदा होगा। अन्यथा यदि आप देश काल भोजन, उम्र, बल और शरीर का विचार किए बिना व्यायाम करते हैं तो वह व्यायाम आपके लिए रोगजनक भी हो सकता है, रोग को बढ़ावा भी दे सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप इसे बार बार सुने ताकि सारांश आपको याद हो जाएगा। दैट्स ऑल।